Aries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel and click on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook. Sahak Sai link in the description box. Namaste, this is Divya. And kaise hain aap? Hum dekh rahe hain Akshay Kumar roasted bear biceps reacting to funny memes in my new studio. Okay, okra insaan Abhishek is in his new studio और हम साथ में meme review देख रहे हैं, so let's go, let's get it, हर बार की तरह, उम्मीद है, video जाएगा, रहेगा, मजा आएगा. I asked you guys कौन से वाले धोनी के video पर हम react करें, but none of you guys said anything about in the comments. Okay, I'm just gonna pick it myself, अभी जो भी होगा, अभी देखा जाएगा. I asked you, yeah, you're responsible for it. चलो, let's go and see this. Okay, better. Alright, so yo, what's up YouTube? Welcome back to our channel. And yes, we are finally in our new setup. Bhai, ek to pehle tum batao kaisa lag raha hai. I miss my old setup, but kaisa lag raha hai? New setup, cutie cutie hai kya? Ekdam ho. We miss the old. Ek do lighte aur laga do yahan se aur bright ho jaye. Baaki tum mujhe batana kaisa lag raha hai? Setup tour dena chahiye, nahi dena chahiye? Wo dekhi jayegi. But aao aaj ki video ke memes chalu karte. Let's go. Let's go. Wada karte hain. Aapko hum share karenge. Aapko like karenge. ये पीसी क्यों नहीं यूज करना चाहिए यहाँ पर, तो अगली बार अगर मेरी वीडियो इस चैनल पे लेट आ रही है तो तुम्हें बोल सकता भाई इतना महंगा पीसी लिया है भाई वीडियो ही बना दे. भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा. टैंकनेस लेवल 1 करोड़. ओ भाई सामने लड़की का ही मेकअप कर दिया भाई. कह रहे मैं पेन प्लानर भूल गई, मैं पेन लाना तो भूल गई पर मेकअप करना तो नहीं भूली. नाइस नाइस. अगेन चाटा ही मिलेगा. सोच रहोगे अब तक मैंने इंटीग्रेशन क्यों नहीं करी. किस चीज की इंटीग्रेशन भाई? हमारी एल्बम की. भाई 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 यस मैं बता देता हूँ, बलहन रिकॉर्ड्स पे हमारी एल्बम आ चुकी है और उसके अंदर भाई हमने स्टोरी भी डाली है, टाइमलेस लव की स्टोरी, टाइमलेस लव के सारे गाने. ठीक है गाइस तुम यूट्यूब पे तो देख सकते हो बट ऑडियो पे सुनो ज्यादा. स्पॉटिफाई एप्पल विल लिसन टू इट नॉट ऑन कैमरा ऑडियो प्लेटफॉर्म पे भी जाके ज्यादा सुनो. कॉपीराइट दोनों जगह सुनो भाई जाओ. अगर नहीं सुना तो हर इंसान एक एक बार नहीं तीन तीन बार हर एक गाने को सुने और ऐसे तीन लोगों को और फॉरवर्ड करे. वाह क्या स्ट्रेटजी है, अच्छी स्ट्रेटजी है. हो सकता है कभी किसी को पेला है आपने? पेला है मतलब क्या होता है? दो मतलब होते हैं पेले. पहले तू डिसाइड कर ले कौन सा पेले. ये तो गलत है कि भाई वेट व्हाट. और आप लोगों के लिए मैं हमेशा स्ट्रगल करती ही रहूंगी. ठीक है वो सब ठीक है, खिलाइए वो खिलाइए. अरे वो मत खिलाओ, इतना देर से स्ट्रगल स्ट्रगल खिलाओ. काव 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 काव. तब से यार देख रहे लाइन में दो यार लाइन में लगे खाली काव 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 काव. सो बेसिकली ये मेरे हिसाब से स्पूफ बनाया गया है वड़ा पाव गर्ल पे, द वायरल वड़ा पाव गर्ल पे. और एंड अभी रिसेंटली भाई यू कैन नेवर इवन एक्सपेक्ट दिस भाई कैसा कोलैबोरेशन हुआ है एंड लॉली के साथ ना. वी सॉ इट वड़ा पाव गर्ल एंड हमारे डॉली छपरी चाय वाला, सॉरी डॉली टपरी चाय वाला. मुंह से निकल जाता है कभी कभी, इधर उधर हो जाता हूँ. बिल गेट्स से भी बड़ा कोलैब चाहिए तो भाई डॉली टपरी तो भाई इतना फेमस हो चुका है, वो जाता है रोल्स रॉयस ले ली मैंने, दुबई चला गया भाई. क्या क्या कर रहा भाई वो. ऑल माई विशेज टू हिम भाई, तुम चाय बेचना छोड़ो अब तुम इन्फ्लुएंसर ही बनो. हमको भी तो लिफ्ट कर. नहीं यार क्यों, क्या दिक्कत है? अरे पॉसिबल नहीं है यार. क्या कमी है तुझमें? कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए ना. नहीं कॉन्फिडेंस है तो सब कुछ है भाई. सिंगल ही वाला. आई रिमेंबर दिस. मम्मी मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ क्या? अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ लो. अरे नहीं है गर्लफ्रेंड तो खुद ही समझ जाओ. सारी उम्र तू जोकर बने आ रहा. जितने प्यार से जितना पेशेंस से मैं खिलाती हूँ सामने वाला खिलाएगा. हाथ जोड़ने का रो भी नहीं थाने में जाके. हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि औरतों से बात करने की तमीज होनी चाहिए. मैं अपना बच्चा बीमार हालत में यहाँ खड़ी हूँ तो तुम मुझे चाहिए. क्या हो रहा है? वरना मेरे पुराने कस्टमर हो
प्यार और पेशेंस, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो रो भी रही है और बड़ा पाव भी बना रही है और आंसू भी उसी बड़ा पाव में गिर रहे हैं और वो खिला भी किसी को नहीं है। मीठा लग रहा है थोड़ा ज्यादा। आंसू इज द सीक्रेट ऑफ आवर टेस्ट्स ऑफ। और हो दस के गोलगप्पे देना, लास्ट वाला मीठा कर देना, ठीक है? कल लास्ट वाला मीठा बोला था। क्या बोला तूने? एक ही है दस का। भाई महंगाई बहुत बढ़ गई है यार। मैंने खाई नहीं है कितने टाइम से। 10 के 6 6 8 8 गोलगप्पे मिलते थे, आज 20 के 6 मिलते हैं या 30 के 5 मिलते हैं, ऐसा भी कहीं कोई छूटा? तुम्हारे बताओ, तुम लोग हो तो तुम्हारे शहर में। मैं नहीं गई हूं एक साल से, आई हैव नॉट हैड पानी कोई बार। अरे तुम्हें पता है मैंने ना मम्मी को तुम्हारी फोटो दिखाई एंड गेस व्हाट, उन्हें तुम पसंद आ गए। क्या बात कर रही है यार, मम्मी को पसंद आ गया पर यार उनको ना मना करती हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं या शादी भी तो तुझसे। I like it. Yeah, ये वाला मीम। बेटा मम्मी को तुम पसंद आ गए हो। अबे पर मम्मी का मैं क्या करूं, मुझे तो बेटी पसंद है। मैं जीना हो या मरना जम्मा। Of course. How can you not know किसका फोन है? अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, ऐसे really? तो दूर ही रहना चाहिए। इतना शक अपने ही फोन पे पूजा समझ के शक करने लग गया और चाटा मार दिया। भाई ये तो गलत है ना, पर हम लड़के हैं जनाब, हमारे साथ तो ऐसा ही होता है। इसी बात पे मैं कहूंगा भाई, अगर तुम्हारा कभी दिल टूटा है या फिर टूटने वाला है, दिल किसी साथ जुड़ जाए तो जाओ भाई जाके सुनो। बहुत अच्छा मतलब अगर म्यूजिक फैन हो तो पसंद आएगा। हम देखेंगे। I like it. ये वाली रील यार मेरे को भी बना दी है, मैं भी बना हुआ इंस्टाग्राम पे जाके। और भाई क्या हाल है, ये ले पानी पी यार, इसकी क्या जरूरत थी, नहीं ये ले फेंक दिया। मैं गिरा हो या बंदा जमा नीच बल्ली है, आईडिया अच्छा यार ये बनाएगी भाई। ब्रदर भाई कैन यू बिलीव इट, द मोमेंट आपने चेकमेट किया हमारी वॉचिंग पता कितनी हो गई? 36,000 एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट। भाई वो 36 बिरादरी का रेफरेंस देना चाहता था मुझे ऐसा लगता है, बट रजत भाई को थोड़ा समझ कम आया। ओके आई थॉट कि उनकी एक्चुअली व्हाट व्यू बहुत सारे। कोमा वाज बेटर, कोमा में था तो 3 साल से। 2024 क्या चल रहा है? आईपीएल स्टार्ट हुआ है अभी। आईपीएल RCB के पिछला धोनी सही है यार, और उससे पिछला? उससे पिछला वो पांड्या। मुंबई जीत गई एक और टाइटल, अरे भाई बधाई हो तुझे भी। नहीं वो पांड्या जीटी में चला गया ना, नई टीम आई है गुजरात उसका कैप्टन। अभी इस सीजन का पहला मैच किसका था? अपना CSK और RCB। ओ भाई क्लासिक राइवलरी, धोनी वर्सेस विराट, मजा आ गया। नहीं नहीं फाफ और गायकवाड ये दोनों तो सेम टीम में थे। आई कैन फील इट, कोहली ने कैप्टनसी छोड़ दी ना। I know this now. सच में बुरा लगता है भाई। हाँ हुआ ना, सारे हार गए। आपके साथ ही था, but पांड्या ना फिनिश नहीं कर पाया। तो तू सैड क्यों हो रहा है भाई? मुंबई जीत गई, खुशी की बात है। नहीं नहीं पांड्या वापस आ गया और कैप्टन भी बन गया। विराट ने भी छोड़ दी कैप्टनसी, रोहित ने भी छोड़ दी। नहीं छुड़वा दी भाई। एक काम करियो, मुझे ना T20 वर्ल्ड कप के टाइम उठा दियो, मैं वापस जा रहा हूँ कोमा में। Only true cricket friends can actually understand this pain. मम्मी मुझे लग रहा मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। यही तो रीजन है बाबा आपको बता नहीं पाते कि हम डिप्रेशन में है यार। पहले पापा ही बुलाते हैं, आओ बेटा आओ, तुम्हें क्या तकलीफ है? हम कहते हैं मम्मी पापा आपको पता है यार हम मतलब बड़ी दिक्कतों से चल रहे थे। तुम तो हमारे दोस्त जैसे हो, बताओ ना तुम्हें क्या दिक्कत है? मम्मी मुझे डिप्रेशन है। चाटा आप अपनी वापसी आ गया, मम्मी वापसी आ गया। प्रॉब्लम क्या आ रही थी अंकिता? पता नहीं यार, समझ भी नहीं आया पहली बार कुछ है ना। मतलब एंगेजमेंट रिंग को देख के क्या होगा, खुशी होगी एक्साइटमेंट होगी, क्या होगा बेबी बता क्या था? लालच। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्लिए। विक्की भाई को देखो फुल जवान लग रहा है। ओह माय गॉड, दो बटन और खोल दो विक्की भाई। विक्की भाई ने वैसे दो ही बटन लगा रखे, बाकी तो खुले रखे हैं। क्या रास्ते में ठेला लगा के खड़ा है, जाम करा रखा है यहाँ से। हटा इसे। क्या होने वाला है भैया? सेब कैसे दिए? 180 रुपए किलो, 1 किलो कर। आप अच्छा आदमी हो, 100 रुपए दे दो। अरे थैंक यू यार, हो गए। अरे देख के लिए ना, अरे छांट के दिए भाई ने।
आज इज अ न्यू ट्रेंड, आई हैड नो आइडिया। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। ये वाला स्कीम बढ़िया भाई। अगली बार तुम्हारे को कुछ कर रहा हो किसी सब्जी वाले से तो ऐसा मत करना प्लीज, ठीक है? उनको थोड़े से पैसे ज्यादा भी दे दोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा? कुछ नहीं। इन सारे एमएलए को बिजली फ्री मिलती है, अगर इन मंत्रियों को जो फैसिलिटी मिलती है मैं अपनी जनता को देना चाहता हूँ तो इनको क्यों तकलीफ होती है? जो जो चीजें इन मंत्रियों को और इन संतरियों को मिलती है मैं अपने लोगों को देना चाहता हूँ। नंबर एक, फ्री पेट्रोल भी दिलवा दीजिए। हाँ, फ्री पेट्रोल भी दिलवा दीजिए। अभी भी चल रहा है ये झूठ का रेट, देखे हैं पेट्रोल के रेट कम करवाओ भाई। गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, छोड़ो यार तेरे भाई में यार वो कर सकते हैं। अंधी सेट नहीं हो रही यार। एक्सक्यूज मी, ये लोकेशन कहाँ पड़ेगी? अंधी है क्या? चार आके लगा रखी है, फोन पे बात कर रहा हूँ नजर नहीं आ रहा, चल आगे। बदतमीज लोग बात कर, कमी पता चल गई भाई, कमी पता चल गई। 4 जून पता चलेगा तो इंडिया वापस आ सकता है कि नहीं। ऑल द बेस्ट। आज वाला वीडियो देखना। हां डन। देखिए दोस्तों मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, मेरा मैंने ऑरेंज पहना है भाई, आई रिप्रेजेंट द राइड भाई, ठीक है भाई? Life is too short to argue just say मैंने ऑरेंज पहना हुआ है, जय श्री राम एंड मूव ऑन। भाई ये कितने की बिकेगी? ये तो लोहे की सरिया है सर, मैं तो सुनार हूँ, सोने पे डील करता हूँ। ये तेरे लिए लोहा है? हाँ सर लोहा है। हाँ सर। बेबी जरा इसको छूना। उकी लू ले। मेरे वास्ते है नहीं सोने जैसा। Very nice. Me leaving home on bike versus me when I take off my helmet. True. तुम्हें पता है हमारी जो एल्बम आई है Timeless Love, it is out on Spotify, it is out on YouTube. But helmet पहनना जरूरी है, you should wear helmets no matter what. कितना भी खराब हो जाए तुम्हारे बाल। Oh I got to know, अभी कोई नया रील का ट्रेंड चल रहा है। आई नो इट्स जस्ट फॉर मीम्स एंड स्टफ, बट हाँ कुछ लोग एक्चुअली ऐसे होते हैं तो हाँ, आई मीन सी टू इट फॉर योर सेल्फ। मीन रूड और सैवेज बनने से तुम कुछ अच्छे इंसान नहीं बन जाओगे, जस्ट बी काइंड एंड नाइस बिकॉज यू नेवर नो वट एनी वन इज गोइंग थ्रू। होप एवरी वन लाइक, क्योंकि आई थिंक एवरी वन इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग और द अदर थिंग, है ना? सबकी लाइफ में कुछ छोटी सी बड़ी प्रॉब्लम्स हर रोज चलती रहती है, एंड देन वी जस्ट थिंक किसी के लाइफ को देख के, हाँ तुम्हें लग रहा होगा मेरी तो दो तीन वीडियोस देख के, हाँ इनकी लाइफ तो सेट है, यहाँ जा रहा है यहाँ जाना है, फोटोज खींच के लगाना है, बट ऑब्वियसली यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट माई पर्सनल लाइफ। एंड इट्स गुड बिकॉज पर्सनल लाइफ और प्राइवेट लाइफ प्राइवेट और पर्सनल ही रहनी चाहिए, अनलेस अनटिल आई वॉन्ट टू कम आउट एंड शो और शेयर समथिंग। सेम थिंग विथ यू गाइज, अभी आप कॉमेंट करते हो, कोई अच्छी कॉमेंट करता है बुरी कॉमेंट करता है, प्रॉब्ली एज अ ह्यूमन ऐसा एक बार जजमेंट आ जाएगा या फिर इनको तो क्या ही पता है इनकी लाइफ में हाउ वॉट काइंड ऑफ कॉमेंट दिस इज, क्या सोच के लिखी होगी, बट मे बी वो इंसान ऐसी चीज से अभी गुजर रहा है कि उसकी मेंटल स्टेट ही नहीं है अच्छी कॉमेंट करने की या अच्छी कुछ चीज देखने की। वी ऑल आर एट अ मोमेंट लाइक दैट ना, सो या आई मीन आई अंडरस्टैंड इट वॉज काइंड ऑफ फनी बट नॉट सो फनी बिकॉज थोड़ा टाइम लगा मुझे रियलाइज होने में वो meme, the trend that's going on, niche wala something. But yeah, I mean, it's okay to make reels. But it's not okay to actually do that and call yourself niche and be like, hi, are I am to... just saying. But it's still fun to always watch it with Abhishek. I mean, I feel like, mujhe to aadhi cheeze bolni padti because humara mindset itna similar hai. Ki mujhe jo bolna hai, wo already bol dete hai. Yes, I have definitely seen better memes. But that's fine, something new we got today. So hopefully we get more better memes and stuff. And yes, I did understand IPL wala. I did understand. I'm so proud of myself for this. Hopefully I'll try to make sure ki jitna ho zyada hum dekhe to we can also react, start reacting to cricket and stuff. And I'll see you guys next time. Bye berries. Love you.